लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमज़ा। मैं अभी राबड़ी आवाज़ के बाहर खड़ा हूं और इस आवाज़ के अंदर बहुत अहम बैठक चल रही है, ज़िला अध्यक्षों की बैठक चल रही है और उसमें ये तय होना है कि राजद कितनी तैयारी से और किस उम्मीद के साथ उतरेगी, क्योंकि इसी साल इलेक्शन है, राजनीति अपने चरम पर है, सब पार्टी अपने आप को मजबूत बनाने में लगी है। हमने बात की छपरा के जिलाध्यक्ष सुनील यादव से और उनसे पूछा कि किस बेसिस पे अध्यक्ष बनाया गया है और क्या आपसे उम्मीद रखी गई है, तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। अम्माई समीकरण तो नहीं था रियल में, लेकिन हमारे विरोधी, हमारे विपक्ष के लोग ये चर्चा करते थे कि माई समीकरण है। अब ये समीकरण सबको मिला के लेके चलने का। जी जी जी, जिम्मेवारी मिली अभी, नए नए बने हैं, पहले से हम लोगों को जिम्मेवारी था। मैं हम इस पार्टी के समर्पित लोग हैं, मैं चुनाव लड़ा हूँ अमनौर विधानसभा से। तो पहली बार जिला अध्यक्ष बने हैं? जी, पहले बार जिला अध्यक्ष बने हैं। कितनी बड़ी बात मानते हैं जिस तरह से जिला अध्यक्ष के कम सिर्फ जिस तरह से चुनाव का तैयारी का पर जिम्मा दिया गया है, तो क्या लगता है आप लोगों को? लगता क्या है, जो हमारे बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव हैं, युवा लोग हैं, युवा लोगों को मौका दे रहे हैं, इसके लिए युवा पीढ़ी में बहुत ऊर्जा मिलता है। पुराने लोगों में और नए लोगों में पूरा अंतर होता है, पुराने लोगों को भी नहीं हम लोग नज़रअंदाज करते, अभिभावक के रूप में उन लोगों को भी संगठन में रखेंगे। ये MY का जो समीकरण बनाया गया, जिस तरह से नए जो जिला अध्यक्ष का सूची तैयार किया गया है, उसमें खासकर देखा गया है कि MY का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। अभी नज़दीक है 2020 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। आज की बैठक का क्या उद्देश्य है, क्यों बैठक बुलाई गई है? कुछ अपना दिशा निर्देश दिया जाएगा, नए नए लोग हैं, नए नए लोगों को जिम्मेवारी मिला है, उसका दिशा निर्देश दिया जाएगा कि किस ढंग से काम करना है जिला में, किस ढंग से संगठन को चलाना है। पार्टी के अंदर सब सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। जिस तरीके से आप बोले कि युवाओं लोगों को मौका दिया जा रहा है, क्या एक्सपीरियंस की भूमिका नहीं होती है किसी चीज़ में? नहीं नहीं, एक्सपीरियंस लोग का है, युवा पीढ़ी के लोगों को एक्सपीरियंस है, जैसे हम ही को मिला है। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, इस पार्टी के समर्पित लोग हैं, एक बहुत छोटा साधारण लोग हैं। टारगेट क्या दिया गया आप लोगों को, क्या क्या बोला गया जैसे जिला अध्यक्ष को, टारगेट क्या दिया गया? तो आज मीटिंग में होगा चर्चा, तो प्रथम मीटिंग है हम लोगों का। अच्छा, इस मीटिंग में चर्चा होगी से क्या। कहां से आप आए हैं? छपरा। छपरा के जिला अध्यक्ष जी, क्या नाम हुआ आपका? सुनील यादव। तो आपने सुनील यादव को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें जिला अध्यक्ष बनाया गया है, हम इस उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे और तजुर्बा और यूथ सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारी पार्टी है MY समीकरण नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।